आता हूं सब उसमें छपे हुए, और अच्छी अच्छी संतों की तस्वीर ले लेना, दर्शन कर लेना। आपके घर में हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाओ, माता पिता की तस्वीर लगाओ, देशभक्तों की तस्वीर लगाओ, संत गुरु की तस्वीर लगाओ, क्योंकि चित्र का प्रभाव आपके चरित्र पर पड़ता है। वोट पटांग, कितने लोगों के घर में गधे की तस्वीर देखा मैंने लगी। हमने कहा ये घर के लोग विकास करके वह गधे ही बनैया है, ये गधा क्यों लगायो? तो बोले गधे का भी सम्मान होना चाहिए। तो हमने कहा क्या घर के लोग कम गधे हैं, इन्हीं का सम्मान करो, तुम इस गधे के चक्कर में क्यों पड़े? बोले घर के लोग दुई पैरक गधे हैं, ये चार पैरक गधा है। तो हमने कहा अगली बार शुभकामना करो तो चार पैरक गधा तुम भी बनकर पैदा हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये गधा ये चूहा ये सब चक्कर मत पड़ो, महान पुरुषों की तस्वीर लगाना चाहिए। और भाइयों बहनों याद रखना, आपके घर में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। रात में टीवी में 9 बजे आस्था भजन चैनल में आप प्रवचन सुनते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी प्रचार कीजिए, बताइए 20 मिनट सुने। और शायद 1 नवंबर से आस्था चैनल में 6:50 से लेकर 7:10 तक शाम को प्रवचन उसमें भी आएगा, और उसका भी आनंद लीजिए। आस्था चैनल, आस्था भजन चैनल, केवल आध्यात्मिक धार्मिक नैतिक प्रवचन का प्रचार प्रसार करने में बहुत सेवा कर रहा है। आस्था परिवार को हम जालौन की तरफ से 40 करोड़ श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आस्था की सेवाएं निरंतर हमारी आस्था की रक्षा करती रहती। और आस्था चैनल में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी के अंदर भी बड़ी आस्था है, वे मुझको वहां बुलाकर भी स्वागत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। वहां आस्था सेंटर जहां और बड़ा सब इकट्ठे होते हैं, पूरे टोटल जितने कहते हैं सब काम थोड़ी देर बंद आपका सुनते हैं, अपने घर भी ले जाना चाहते कि 10 मिनट वहां चलो। आस्था ने आस्था जगाया है संसार की, आस्था भजन ने भजन के प्रति भी आस्था बढ़ाई है, धन्यवाद है। और आपकी आस्था को भी धन्यवाद है। हमारे आयोजक मुख्य यजमान श्री मुन्ना सिंह सेंगर, उनकी पत्नी श्रीमती सरिता देवी के लिए शुभकामना करता हूं, उनकी आस्था और व्यवस्था को भी धन्यवाद है। क्या हिम्मत है, जालौन में ये बालक जन्म लिया, आज इनकी मिलिट्री में सर्विस थी, रिटायर होकर आओ यहां ना चरण छू लो, दोनों लोग आ जाओ, मिलिट्री में सर्विस किया, रिटायरमेंट लिया, और ये श्रद्धा जगी कि मैं गुरुदेव को बुलाऊं और सत्संग कराऊं, मेरे जालौन वासियों को, भारत वासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्व वालों को सीधा प्रसारण करा के गुरुदेव की वाणी सुनवाऊं, ऐसी महान आत्मा ये दोनों पति पत्नी, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन की। बिराजो, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन दिल में भाव नहीं होता, पैसा खर्च करके दारू पी लेंगे लेकिन सत्संग नहीं कराएंगे। एक आदमी मुझे मिला लखीमपुर जिले में, बोला दिल में बहुत भाव है। तो हम कहने दिल का भाव कबू बाहर निकली कि न निकली कि अंदर ही रही। तो उसका छोटा भाई बोला दिलमा जितना तुम्हारे प्रति भाव है उससे ज्यादा इनके दिलमा दारू प्रति भाव है, रोज 2000 की दारू पिए थे, खूब लुट रहा। और बोलता मेरे से क्या था, संसार में कुछ है नहीं, सब बस परमात्मा को भजो,
तो उसका भाई बोला, अकेले संसार में कुछ नहीं है, केवल दारू मांस बस बहुत कुछ है। ढोंगी, आपके पास में अगर कुदरत ने पैसा दिया है तो आपका पैसा समाज को सुधारने में खर्च होना चाहिए। कि इस मनुष्य समाज को बिगाड़ता भी मनुष्य है, इस मनुष्य समाज को सुधारता भी मनुष्य है, और मनुष्य समाज को शांति भी मनुष्य देता है, और मनुष्य समाज को अशांत भी मनुष्य करता है। ये मनुष्य का ही पूरा खेल है। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी ताकत, तन की ताकत, मन की ताकत, बुद्धि की शक्ति और धन की शक्ति समाज को सुधारने में खर्च कीजिए। आज इस कलयुग में मानव समाज तेज गति से बिगड़ता चला जा रहा है, इसके लिए सबको वीणा उठाना पड़ेगा। और सब परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, सबका दुख दूर कीजिए और सबको सत्संग में जोड़ दीजिए, और सभी प्रवचन सुन करके अपना आचरण सुधारें ताकि उनके घर घर में शांति की स्थापना हो। बोलिए सदगुरु भगवान कीजिए। तो आइए अब जो मेन प्रसंग में प्रश्न रखना चाहता था वो अब रख रहा हूं। प्रश्न में इतनी देर लगी तो उत्तर में क्या होगा देखो। कबीर क्या कहते, दुनिया में मैंने क्या देखा, जो देखा वो देखा, क्या देखा मैं बताता हूं, वो देखा। तन धरि सुखिया काहु न देखा, जो देखा सो दुखिया। कबीर का अनुभव यह है कि संसार में मैंने जिसको देखा, शरीर को धारण करने वाले को दुखी ही देखा। कोई शरीर की बीमारी से दुखी है, कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई बेटी दामाद से दुखी, कोई खुद से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई गुंडों से दुखी, कोई अफसरों से दुखी, कोई नेताओं से दुखी, कोई बंदरों से दुखी, कोई छोटा गायों से दुखी, सब दुखी। कोई चोरों से दुखी, कोई सीना जोरों से दुखी, कोई शराबियों से दुखी, कोई शराब से दुखी। दुख है, और संसार में चार प्रकार का मुख्य दुख होता है। चार प्रकार का मुख्य दुख आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता दो। हाँ, कल तुम धोखा दोगे, आओगे नहीं। पता चल गया कि सब आज ही निपटा दो, कल अकेले महाराज बैठे। आ जाना दिवाली रात में जलाना, कल दिवाली है ना, क्या भाग्य। कल दिवाली के बारे में प्रवचन सुनाऊंगा मैं। दिवाली क्यों होती है, दिवाली का अर्थ क्या है, दिवाली कहाँ से प्रारंभ हुई, और दिवाली मनाने का तात्पर्य क्या है, दिवाली कैसे मनाना चाहिए, ये कल सब बताऊंगा मैं। दीपावली पर ही बोलूंगा आधा घंटे, इसलिए आ जाऊंगा। नहीं तुम उल्टा पुल्टा दिवाली बना रहे हो ना, तरीका बता दूंगा। तो चार प्रकार के मुख्य दुख होते हैं संसार में। नंबर एक, अभावजन्य दुख। अभावजन्य दुख क्या है, कि हमारे जीवन में अभाव का एहसास होना। इसका क्या मतलब है, कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा हाय हाय लगी रहना, यानी जो है उसका आनंद ना ले पाना, जो नहीं है उसकी चिंता में दुखी रहना, ये अभावजन्य दुख। कुर्सी है उसका आनंद न ले पाना, और सोफा सेट नहीं है
तो नहीं होने की टेंशन में पड़े रहना। ये अभाव जन्य दुख। स्टील की थाली में भोजन कर रहे हैं उसकी खुशी नहीं ले पा रहे, लेकिन सोने की थाली नहीं है उसकी कल्पना करके दुखी हो रहे, अभाव जन्य दुख। जो साड़ी पहने हैं उसमें संतुष्ट नहीं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे, खुशी नहीं, लेकिन जो साड़ी मिल सकती नहीं उसकी कल्पना करके दुखी हो गए कि हमारे पास भी साड़ी बनारस वाली होती। अरे तो बनारस में जाकर रह लो और साड़ी न बनाओ रोज। साड़ी में भी सुख नहीं है, न गाड़ी में सुख, न लाड़ी में सुख, न बाड़ी में सुख, सुख इसमें नहीं। साड़ी तो इसलिए पहनी जाती है अपने शरीर की मर्यादा को ढांकने के लिए। साड़ी में कौन सुख, पेंट शर्ट भी पहना जाता है अपनी मर्यादा ढांकने के लिए। कितने लोगों को भ्रम है, और अच्छे कपड़े पहन करके आप सोचो कि हम सुंदर हो जाएंगे, सुंदर उंदर न हो। आदमी सुंदर तो स्वभाव से होता है, चरित्र से सुंदर। राम भगवान ने कौन पैंट पहना था, कौन बेल बॉटम पहना, कहाँ हिप्पी कटबार रखाई, और सीता जी ने कहाँ सब ये नौटंकी किया। एक पीले रंग की साड़ी पहने बन बन घूमे, और सीता जी की पूजा सब जगह हो रही। अब आजकल की माताएं, दुनिया में जितने रंग हैं सब रंग की पहन ली, पूजा वूजा कहूं नहीं, झगड़ा सब जगह शुरू। और फिर रंग का कुछ पूछो ना हाल, एड़ी में रंग, नाखून में रंग, ओठ में रंग, और बाल में रंग, और गाल में रंग, और पेट में रंग, हथेली में रंग, गदेली में रंग, सब जगह रंग, रंग में रंग, पूरा घर है तंग। सब रंगा रंग मचा है, दंगम दंग। इबा सुख नहीं मिली कबहू, चाहे पूरे पांव भगवनम रंग घोर के बोर दे हम तब तो सुख न मिली। हाँ, बाल्टी भर रंग घोर के नहा लियो, इससे कुछ होए वाला नहीं। ये फैशन वैशन में कोई सुख नहीं। हाँ, जो अपना नियम हो भारतीय संस्कृति का ठीक है, और लोगों को पता भी नहीं ओठनम रंग क्यों लगाया जाता है। ओठम रंग इसलिए लगाया जाता है, महिलाएं लगाती पुरुष नहीं लगाते, देखो थोड़े दिन बाद लगाई हैं यहू लोग। हैं कुछ पुरुष ललचात की लगाई ली काकरी, लेकिन शर्म लगे तो कोई लगावत नहीं, दो चार लोग हिम्मत करें तो लगाई है फिर। तो ये ओठन रंग जानते क्यों लगता महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं दाल चावल सब्जी खीर और सब बनाती हैं, तो उसका बर्तन का ढक्कन खोल के देखती हैं पकी गवा कि नहीं पका, तो मां झकती हैं, ऐसे झकती हैं। और देखिए कुछ महिलाएं तो जब भाप उठती है चावल की या दाल के, तो मां फूकती हैं मुंह से, फू भाप फटे तो दिखाए नहीं, दिखाते ही नहीं, तो जब फूकती हैं तो उनकी चुई जी लार वह तो तो ओठन पर लाली की परत लगी है कि लार चुए न पावे, वह लाली की परत रोक ले नहीं, वह चुई जाई इकी बदू ओठन और रंग ला गए। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और ही ढंग बनाई दी, जौनी कबहू नहीं भोजन बनौती नहीं देखती नहीं, वो ढेर रंग लगाए। और एड़ियों में क्यों रंग लगाती थी महिलाएं, अंगुली में, नाखूनों में रंग, नूरानी, क्योंकि इनको पानी में ज्यादा रहना पड़ता था, कहीं बर्तन मांजना, कहीं धोना, कहीं कपड़ा धोना, तो सब एड़ी और उंगली सब सड़ जाती थी, तो इसलिए इनके उंगली और एड़ी में सब रंग लगाया जाता। और नाखूनी इसलिए लगती, इनका बर्तन मांजक पड़ता था, छल्ला इसलिए पहनती थी कि अंगुरी खाल न रग रहे, छल्ला ही रग रहे उमा, तो इसलिए इनका छल्ला। अब ऐसी छल्ला पहने हैं खुल्लम खुल्ला
कि आई से अंगूठी है बर्तन छुई भी न करी। ये छल्ला इसलिए पहना नहीं जाते थे कि बर्तन मांजने में अंगुली न घिसे छल्ले घिसे, ये सब व्यवस्था थी समाज की। और प्राचीन समय में स्त्री के नाम जमीन नहीं रहती थी, इसलिए इनको सोने चांदी के जेवर पहनाए जा रहे, कि गले में हार, नाक में नथनी, कान में कुंडल, माथे में बिंदिया और पायल, कड़ा छड़ा झांझड़ा हथकड़ा भांभड़ा सब पहना देते थे, करधनी, कि कबहो पति पत्नी में नबन हो जाए, झगड़ा हो जाए तो ये औरत कहूं जाए तो खाली हाथ ना जाए, दो चार लाख के सामान लेके जाए तो जिंदगी तो जी ले, यहां तो कुछ जमीनों नहीं नाम। लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था बना रही धीरे धीरे कि महिलाओं के नाम भी हक होना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं हैं।